May we have the next person? Yes, brother, please come here. Could you just introduce yourself? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, which language do you speak, brother? Hindi, Hindi. Hindi. Aapke matri zaban kya hai? Ji, meri matri bhasha Hindi hai. Matri bhasha, okay. But I've seen you speaking Marathi well. No, no. Hindi. Main sirf Hindi mein bolunga. Sirf Hindi mein, acha. Last time you spoke Hindi like Marathi then. Okay. Because the words that he used were all like... Okay, what do you do, by the way, brother? Your name is? Agar aap Hindi mein poochhe to... Acha, acha, sorry, sorry. Acha, abhi aap logon ko thoda takleef hoga. तकलीफ शुरू होगा अभी इंशाल्लाह क्योंकि मैं तमिलनाडु से आ रहा हूं. एंगे दौर है तमिलनाडु कबालीडा. हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो तमिल? ओके. आई कम फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड तिरुचेंदूर, अ वेरी वेरी फार अवे प्लेस, एंड फ्रॉम देयर अनदर 11 किलोमीटर्स देयर इज अ स्मॉल विलेज कॉल्ड कायामुली. इवन इफ यू सर्च इन द मैप, आई थिंक इट बिकम्स टू डिफिकल्ट. Okay, it's very difficult for you. Small village. And at some point of time, I'm given to know that my ancestors were Shaiva Pillai Mars. My ancestors were Shiva Bhaktas. At some point of time, we have the Murugan Koil. And the people during the time of Muhammad Yusuf Khan, Marudanayagam, the Tinnalveli and the Thoothukudi district, those people embraced Islam. We have the history. So our ancestors go back to... Once again, the Tamil-speaking Shaiva Pillai Mars, my ancestors, and then finally we became Muslims, alhamdulillah. So what I'm trying to ask you is that... I'm sorry. So now you will start to get hurt. I will talk a little Madrasi Urdu, inshallah. Madrasi Urdu, inshallah. I will ask you this question. Why do you like Islam? What is the thing about Islam that you like it? सबसे पहले मैं अपना नाम, मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम है. आज से 16 या 15 साल पहले मेरा नाम दिनेश मोहन सिंह था. अल्हम्दुलिल्लाह, स्टेट मेरा आबाई वतन जो है यूपी है, चंदौली ज़िला है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यहीं पर पैदा हुआ हूं मुंबई में, चीता कैम नाम के इलाके में. अच्छा. असल में इस्लाम जो है ये स्वाभाविक धर्म है और ये इंसान के ना स्वभाव में समाया हुआ धर्म है. अगर कोई व्यक्ति जो है, कोई इंसान इस्लाम के केवल माना अगर समझ ले, उसका अर्थ समझ ले, तो उसे इस्लाम से कोई दुविधा नहीं रहेगी. इस्लाम से वो कभी भागेगा नहीं. इस्लाम कबूल क्यों किया मैंने, इस पर बहुत सारी बातें हैं, इंशाल्लाह इत्मीनान से बोलूँगा. लेकिन इस्लाम का अर्थ क्या है ये जानना ज़रूरी है. इस्लाम का अर्थ है कि अपने तमाम जो भी विचारधार भावना है, अपनी जितनी भी इच्छाएँ हैं, वो अपने सच्चे पालनहार के आदेश अनुसार मानव जाति जो है, मनुष्य जो है, व्यतीत करे. मनमानी जिए नहीं. मनमानी जीने से क्या होता है, ऊंच नीच भेदभाव और इस सृष्टि का जो है नियम जो है वो पदभ्रष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है. आपस में इंसान इंसान से लड़ता है, इंसान इंसान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, इंसान अपना कानून दूसरे पर थोपने की कोशिश करता है. लेकिन ऊपर वाले के कानून से सारे मनुष्य एक समान रह सकते हैं और इस्लाम यही शिक्षा देता है. इस्लाम का अर्थ है कि अपने अपनी अपनी इच्छाओं को पालनहार के आदेश अनुसार व्यतीत किया जाए. ओके. हाँ, आई एम इन अ फिक्स नाउ. आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजर्स. आई डोंट फील शाय बिकॉज आई थिंक पीपल विल एंजॉय. दे सेड लेट द रिवर्ट स्पीक ब्रदर. हिंदी. सी, आई वाज टेकिंग सो मच ऑफ टाइम स्पीकिंग. द ऑर्गेनाइजर्स सेड ऑलरेडी लेट द रिवर्ट स्पीक मोर. You understand? So I want आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कोई तकलीफ दिए इस्लाम को कबूल करने के लिए, यानी फोर्स किए, ऐसे कुछ बात? इस्लाम जो है मैंने कबूल करने की जो मेरी शुरुआत है, मैं कुरान को इसलिए पढ़ रहा था ताकि मैं उसमें कुछ गलतियाँ निकालूँ. और ये भावना कहाँ से पैदा हुई, जब कोई मुसलमान मुझे बताता था कि भाई तुम्हारी किताब में यहाँ पर मोहम्मद का नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर फला नाम है, यहाँ पर वो है, यहाँ पर फला है, तो मेरी जो भावना थी वो ये थी, जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे. मैं नहीं जानता था इस्लाम को. जुमा में एक दिन नहाने, क्योंकि मेरे घर में यही बताया गया, मुझे बचपन से यही सिखाया गया, तो मैं ये सोचता था जुमा में एक दिन नहाने वाले रोज नहाने वाले को बता रहे, अब इनको बताना पड़ेगा कि इनके धर्म में क्या है.
ये भावना लेकर मैंने कुरान पढ़ा, ये भावना लेकर मैं कुरान को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब का मैंने कुरान उठाकर पढ़ा, तर्जुमा पूरा मुकम्मल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। उसी में मेरा जो है जहन अल्लाह ताला ने खोल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुरान को पढ़कर उसको समझकर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम को कबूल किया है, किसी के दबाव में नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। किसी ने दबाव नहीं दिया, किसी ने पैसे नहीं दिए, पैसे देता अगर कोई तो रेंट के घर पे नहीं रहता। अच्छा बारकल्लाह फीक, अभी तो आप इस्लाम के बारे में बहुत सारी चीज़ जानकारी हासिल करें, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, आप भी क्या है, आप ऑलरेडी जो है लोगों को भी इस्लाम के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं, तो मेरा ये सवाल है क्या इस्लाम में जायज़ है लोगों को फोर्स करना और इस्लाम कबूल करवाना, ऐसा कुछ इस्लाम में जायज़ है क्या? कुरान की आयत है, अल्लाह ताला ने कुरान में अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 256 में अल्लाह ने कहा, ला इकराफ दीन, धर्म के नाम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। कद तबैन रुश्द मिनल गई, मैंने अंधकार और प्रकाश को वाजह कर दिया। अंधकार क्या है? अंधकार ये है कि उस सच्चे पालनहार को छोड़कर किसी अन्य के सामने अपने मत्थे को टेकना, जिसने अपनी माँ की कोख में, हमारी माँ की कोख में हम सबका निर्माण किया है, उसको छोड़कर उसकी पूजा करना जो खुद माँ की कोख से आए हैं, उसकी पूजा करना जो सूर्य की पूजा, जो खुद अस्त हो जाता है, जो खुद निकलता है, उसकी पूजा करना, ये अंधकार है। प्रकाश क्या है? जिसने इस प्रकाश देने वाले सूर्य की पूजा की बनाया है उसकी पूजा की जाए, ना कि सूरज की पूजा की जाए, ना कि चांद की पूजा की जाए। ये कुरान की बहुत सारी आयतें हैं, कुरान में भी अध्याय नंबर 41 में भी पालनहार ने कहा है, अल्लाह ताला कहता है, सच्चे पालनहार कहते हैं कि ला तजुदू लिशमसी वला लिकमरी वसजुदू, नकमस्तक मत होना ना सूर्य के सामने ना चंद्र के सामने, बल्कि उस शक्ति के सामने, उस पालनहार के सामने नकमस्तक होना, लिल्लाहिल्लज़ी खलकहुन्न इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, जिसने निर्माण किया है इन सारी चीज़ों का उसके सामने झुको, न सूर्य के सामने झुको न चंद्र के सामने झुको। तो इस्लाम जो है ये सिखाता है, एक ईश्वरवाद सिखाता है, सच्चे पालनहार की भक्ति सिखाता है, उसके आदेश के अनुसार जीवन व्यतीत करना सिखाता है। इंसान सुबह कैसे करे, शाम कैसे करे, पहले जानवर था अभी इंसान बन गया ऐसा लगता है मुझे, पहले मुझे नहीं मालूम था कैसे जीना है, क्या करना है, सोकर उठूँ तो क्या करूँ, सोकर उठना भी भक्ति है इस्लाम में। अगर कोई आदमी सोकर उठता है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मामतना वइलैहिन नुशूर पड़ता है, तो उसको सवाब सोने का अज्र मिल रहा है। बाथरूम जा रहा है वहां पर भी भक्ति की प्रेरणा दी गई है, बाथरूम की प्रार्थना करनी है, निकल रहा है तो प्रार्थना कर रहा है, सड़क पे कैसे चलना, थूकना, अल्लाह अकबर, बड़ा एक हर अमल को जो है बताया गया, थूके कैसे इंसान, सामने ऐसे नहीं थूके, क्यों, किसी और को तकलीफ भी हो सकती है, सामने थूके और उसको दबा दे, या फिर उल्टी तरफ थूके, राइट तरफ ना थूके। थूकने की प्रेरणा देने वाला इस्लाम है, वो इस्लाम, अल्लाह अकबर, वो इस्लाम कभी भी किसी का खून बहाने की शिक्षा नहीं देता। बारकल्लाहु फीक, हयाकल्लाह, मे अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली आखिर। एक एक आदमी का जो लेक्चर जो है पूरे दिन सुन सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग दैट हियर, वी वांट टू क्विकली फिनिश इट इंशाल्लाह।